दोस्तों, हम घर से निकल रहे हैं और हंसिका और हप्पू दोनों जिद कर रहे थे कि हमें बाहर जाना है। तो मैंने सोचा 1-2 घंटे 2.5 घंटे के लिए हम बाहर चलते हैं, क्योंकि कल भी नहीं जा पाए। तो अब हम निकल रहे हैं घर से और देखते हैं कहाँ जाते हैं। कुछ प्लानिंग नहीं बनाई है। तो मैं आ गई हूँ नीचे वाले रूम में और हम निकल रहे हैं यहाँ से। और ये हंसिका जो है ना, ये मास्क लेने के लिए गई है। इसको मास्क नहीं मिल रहा क्योंकि धूल मिट्टी से ना काफ़ी ज़्यादा, जैसे वो यहाँ पे भी दाना हो रखा है, वहाँ भी हो रखा है। तो मैंने कहा था मास्क ले आओ। तो दोस्तों, इस वक्त मैं जो हूँ रास्ते में हूँ और मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है सही में। क्या बताऊँ आपको, सोच रही हूँ बता ही दूँ। पहले भी आते थे पर दशहरे के दिन होती है ना भीड़ हर साल ही। अभी देखो पप्पू ने गोलगप्पे खाए, अब तेरा वो टिक्की खाए, टिक्की खाएगा। मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर आगे आगे चलो जल्दी जल्दी। चलो 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 चलो। भाई दे रहे हैं तेरे को टिक्की, अभी रुको क्यों सही। ओहो, यहाँ पे देखें कितनी चींटियाँ हैं, बहुत सारी चींटियाँ हैं यहाँ पे। मैंने इसकी पैक करवा दी है, मैंने सोचा अभी यहीं पे बैठ के हम लोग खा लेंगे। बाहर तो बहुत भीड़ हो रही है। हम तो निकलेंगे अभी, फिर देखना हो सकता है थोड़ी देर मॉल में बैठे, नहीं तो निकलेंगे यहाँ। आप देख सकते हो कितनी भीड़ हो रखी है, जहाँ देखो वही पार्क में, यहाँ गार्डन में इतनी भीड़ है और जब हम सड़क पे जा रहे हैं तो पैर रखने की जगह नहीं मिल रही। तो फिलहाल ये हप्पू यहाँ पे बैठा हुआ है, देखो ये दोनों इधर बैठे हुए हैं। और हम अब जैसे जैसे ना शाम होती रहेगी और भीड़ होती रहेगी, तो हम अभी डिसाइड नहीं कर पाए कि हम अभी निकलें या फिर शाम को निकलें। देखते हैं कब निकलते हैं हम। गार्डन में आई हुई हूँ, लेकिन इस हप्पू ने ना बहुत परेशान कर रखा है। चलो चलो यार, चलो ना, चलो आंटी के लग जाएगी। बहुत शैतानी का, चलो
देख रहे हो आप? इधर दो, लग जाएगी चोट। अब धीरे धीरे निकलो। ये हमने ना बैग ले लिया है, मेरा वाला। मैं घर से बैग ही नहीं लाई, फिर थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे मेरे को पसंद आ गया था, फिर थोड़ा बहुत क्या है यार, मेरे को मेरा बैग चाहिए। मैं आप लेके भी नहीं गई हूँ उसके अंदर। मैंने जो है दो बैग ले लिए हैं, और ये ना जिद लगा देती है, जैसा इसको बैग चाहिए होता है ना वैसे ही फिर ये नहीं। तो फ्रेंड्स आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये पीछे जो मॉल दिख रहा है ना आपको, पीछे की तरफ यहाँ से एक रास्ता है, क्योंकि आगे से बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, इस साइड से बहुत भीड़ हो रही है। इसको देख लो आप लोग, हमने यहाँ पे स्कूटर खड़ा कर रखा था पीछे, वो अंदर एंट्री नहीं हो रही थी उस रोड से, पीछे तीन नंबर से। फिर मैंने सोचा भीड़ ज़्यादा बढ़ गई है, मैं इधर से शॉर्टकट इस गार्डन से इस तरफ से निकल जाऊँगी बाहर, और मैंने सुरेश को भेज दिया है कि आप अकेले वहाँ से स्कूटर घुमा के इस साइड ले आना मॉल की तरफ, हम इधर मिल जाएंगे। चलो चलो आगे चलो, मेरा बैग बॉल्स है, बॉल्स कपड़े नीचे करो पहले। हैं वो बैलून का बॉल है, देखो ये बॉल्स है, लेकिन मैं ले नहीं सकती क्योंकि ये अभी फोड़ देगा, फायदा तो कुछ है नहीं है क्या, क्योंकि ये तो अभी फोड़ देगा। और ये किस लिए ले रहा है पता है, इसमें कुछ ना कुछ चुबाने के लिए ले रहा है, उसमें इसको आनंद आता है। चलो देख के चलो आगे, देख के चल, देख के तो मैं बता रही हूँ ना, मैं भी, मैं तो पहली बार आ रही हूँ इस रास्ते से। ऐसे मत करो, दोनों धनिया डाको इसको, आप पकड़ लो, ये टूट जाएगा, आप पकड़ लो, दोनों धनी पकड़, बहुत जिद्दी है ये, बहुत ज्यादा जिद्दी है, कुछ ढंग की चीज समझाओ, तो समझने के लिए तैयार नहीं है ये बच्चे। मैं एक तनी से बैग को कभी यू लेफ्ट घुमा रही है, कभी राइट घुमा रही है, अभी तक फोन नहीं आया, लग रहा है वहीं फंस गए भीड़ में। पप्पू जी हम इसी के अंदर बैठ जाएंगे, तब तक मॉल के अंदर बैठ जाएंगे, आराम से पकड़ो कंधे पे, शोल्डर पे डालो, इतना भी भारी नहीं है। हनी मैंने हप्पू का हाथ पकड़ा हुआ है, आप आगे चलो मेरे से, आगे चलो, चलो। ये रहा गेट, आगे नहीं दिख रहा आपको? रावण तो अभी 6-7 बजे, 6 बजे 6:30 बजे जलेगा।
इसको देते हैं। और अगर अगर अभी मैं इसको नहीं मिली यहाँ पे हप्पू को, फिर ये क्या करेगा? पीछे 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 चलो, अब हम निकल गए फाइनली बाहर। आओ, अभी तक ये सुरेश जी नहीं आए। ये हम आ गए, ये सीधा बीके जा रहा है रास्ता, ये 3 नंबर 2 नंबर मार्केट। हाँ, रोड पार करनी है मेरे साथ साथ करना। रुको एक सेकंड, मैं फोन घुमा लूँ, मैं ना ये भी नीचे वीडियो बंद कर दूँ, मैं फोन घुमा लूँ जरा, क्योंकि ना इनसे मैं पहले ही बोल देती हूँ पेट्रोल भरवा के आना, फिर उतरना पड़ेगा रास्ते में। आओ कपड़े नीचे करो, बस यहीं पे खड़े रहो, अभी एक मिनट में फोन घुमा लूँ। आज अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया। अब इसमें चक्कर ये है कि इसमें इनकमिंग तो है लेकिन इसमें आउटगोइंग नहीं है, और ये जो सुरेश जी है ना, ये स्कूटर लेके पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। अब मैं फ़ोन नहीं कर सकती, और मैं, मेरे फ़ोन में डाटा नहीं है सबसे मेन प्रॉब्लम, तो किसी से उधारी पे मांगना पड़ेगा पहले हॉटस्पॉट। इनका इनका फ़ोन आगे तो ठीक है, मैं सोच रही हूँ बैठ जाऊँगी फिर ये आ जाएंगे, इनका तो फ़ोन आ ही जाएगा थोड़ी देर में, तो फिर किसी से लूँगी फिर रिचार्ज करूँगी। आज ही ख़त्म होना था इसको भी। चलो चलो, उधर से तो मैं पहुँच चुकी हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ भी बहुत भीड़ है, वहाँ के लोग यहाँ भी आ रहे हैं, बहुत भीड़ है। पीछे देख, इधर उधर और नीचे खड़ी हो। थोड़ा आगे खड़े हो जाओ, चलो ऊपर थोड़ा और ऊपर चलते हैं, आ जाओ टाइम पास करना पड़ेगा। अब समझ में नहीं आ रहा कि किससे मांगूं मैं हॉट स्पॉट। फाइनली ये आ चुके हैं, ये इधर आ चुके हैं, ये देखिए ये आ रहे हैं, ये देखो अब इनसे लूंगी मैं हॉट स्पॉट, यही आ गए, अब किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। इधर सुनो, तो मैंने ले लिया है इनसे हॉट स्पॉट, और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सही में खाने का कुछ भी मन नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं, ठीक है, और देखते हैं। बैठे यहाँ पे मैटी में पहुँच गए, और सही में कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, जबरदस्ती का वो हो रहा है, तो हम बैठते हैं थोड़ी देर यहाँ पर।
हप्पू उधर बैठ। मैम ना थैला निकाल दी। अंदर बैठेगा नहीं, खड़ा रहे। आइसक्रीम खाने का आप ढंग देखो, देख रहे हो आप। और साथ में इसलिए ना हमने ना यहाँ पे ना टॉयलेट अपनी वो भी खोल दी, इसने शॉप भी खोल दी। बैग में से निकाल रहे सामान, और इसका मुँह उतरा हुआ है हनी का, वो इसलिए उतरा हुआ है कि क्या बताऊँ मैं आपको। हप्पू को टॉयलेट आ गई थी तो ये लोग भाग भाग के ना जो है टॉयलेट में गए, और हंसिका को जो है हाथ धोने थे, तो ये हार्दिक जो है वो आ चुका है यहाँ से। देखना वो टॉयलेट में आइसक्रीम लेके जाता है, तब से इसकी आइसक्रीम ही ख़त्म नहीं हो रही है। मैं हनी को देखने जाती हूँ। चलो तो हम घर की तरफ जा रहे हैं, मतलब अब हमारे घर जाने की तैयारी हो रही है। यहाँ से लिफ्ट से सीधा चलें कि फिर? अच्छा हाँ, भारी है वो तो। आराम से पहले एक मिनट इधर आ जाओ।
मान लिया, अच्छा वो बच गया, नहीं तो उसी में मेरा फोन भी था सब कुछ था। आराम से आराम से, तो स्पीड बढ़ाकर मैं तो बिल्कुल भी मत आना। यहाँ पीके की साइड बहुत ज़्यादा मेट्रो मोड़ की तरफ बहुत ज़्यादा।